वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे वीडियो टॉपिक इज इमैस्कुलेशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टॉपिक। सो लेट्स हैव अ लुक इन टू द सिनॉप्सिस। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ इमैस्कुलेशन, सेकेंड प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन एंड ऑफकोर्स प्रिकॉशंस ऑफ इमैस्कुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वट इज द इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of the anther of bisexual flower in order to prevent self-pollination of neighboring plants. It is just a step of artificial hybridization and sterile your finger as well as equipment with absolute alcohol. तो emasculation क्या है? इमैस्कुलेशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऐसा फ्लावर लेते हैं। एंड इस फ्लावर से हम मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले बाईसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं। एंड इस फ्लावर से हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथर है। अब इस एंथर को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। हम इस एंथर को कट कर दिए तो उसमें क्या बचेगा, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बच जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमैस्कुलेशन, ठीक है। इसके लिए इमैस्कुलेशन कहा जाता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सके एंड वो जो फ्लावर है वो अनवांटेड पॉलिनेशन से बच सके। इट इज़ ए जस्ट ए स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप है। अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इमैस्कुलेशन करना होगा ताकि फर्टिलाइजेशन नेचुरली अगर ना हो पाए। उसके बाद हम अपने मन की या अपने इच्छा के अनुसार कोई भी प्लांट, जैसा कि आप उस फ्लावर को डेवलप करना चाहते हैं वैसे प्लांट का पॉलन ग्रेन आप लेके उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप छिड़क देंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उस पॉलन ग्रेन को आप छिड़क देंगे जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं। एंड इस प्रोसेस के लिए आपको अपने इक्विपमेंट एंड फिंगर्स को एब्सोल्यूट अल्कोहल से स्टरलाइज करना होगा। नेक्स्ट है बैगिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इमैस्कुलेशन फ्लावर। आफ्टर इमैस्कुलेशन अनवांटेड फ्लावर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ट्विग। इमैस्कुलेशन की प्रोसेस के बाद उस ट्विग में, उस डंगाल में या उस ब्रांच में लगे हुए अनवांटेड जितने भी फ्लावर्स हैं उसको हमको कट करके निकाल देना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विथ बैग। इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है जिसपे, ऐसा फ्लावर जिसमें क्या बचा हुआ है, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा हुआ है एंड आपने उसमें अपने इच्छा के अनुसार जो आप जैसा चाहते हैं वैसा पॉलन ग्रेन आपने उस पर छिड़क दिया है। अब उसको क्या किया जाता है, एक बैग से कवर कर दिया जाता है, एक बैग से कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। इट इज़ प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनवांटेड एजेंसीज, एग्जांपल इंसेक्ट, पॉलन, ड्यू एक्सेट्रास। जिससे क्या हो जाता है, यदि आप उसको बैग से ढक देते हैं तो वो अनवांटेड एजेंसीज जैसे कि इंसेक्ट है वो कहीं से भी आ जाएंगे, ठीक है, एंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, उनसे बच जाएंगे। और हवा में उड़ते उड़ाते बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आके वो भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू के माध्यम से भी पॉलन ग्रेन आ सकते हैं तो उनसे वो बच सकते हैं, ठीक है। बैग इज टाइड टू स्टेम विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब जो बैग होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको इस प्रकार से जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बैग से ऐसा हम ढक देंगे एंड धागे की मदद से या थ्रेड की मदद से हम यहाँ पे उसको बांध देंगे, ठीक है। नीचे ट्विग में हम हल्का स्मूथली उसको बांध देंगे
एंड नीचे की तरफ से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा होल बना देते हैं। हम नीचे होल बनाने का प्रोसेस, नीचे होल बनाने का हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, एक तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन कर पाता है, प्लस इसके साथ ही साथ रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है प्लांट्स में, एंड पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है ढकने से। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे जो यूज़ होने वाला जो आपका बैग है वो बैग कैसा होना चाहिए। वो बैग जो है वो आपका लाइट वेटेड, बहुत ही वजन में हल्का, हल्के वजन का जो बैग है पेपर बैग, उसको आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, फ्लावर में दबाव ना पड़ सके, फ्लावर झुक ना सके, ठीक है। फ्लावर में यदि दबाव पड़ेगा तो फ्लावर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। एंड झुकने की वजह से जो आपने होल नीचे में बनाया था वो होल कहाँ आ जाएगा, वो होल ऊपर आ जाएगा, एंड पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम लाइट वेटेड पेपर बैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टैगिंग। टैगिंग का मतलब क्या होता है, टैगिंग का मतलब होता है टैग लगाना। जैसे कि आप जब कभी कपड़े लेते हैं मॉल से, दुकान से, जब कभी आप सामान लेते हैं तो सामान में, कपड़े में क्या लगा हुआ होता है, एक टैग लगा हुआ होता है, एक लेबल लगा हुआ होता है, जिस पे वो जो कपड़ा है या वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बना था, कब बना था, एंड उसमें कौन कौन से जो मटेरियल हैं वो यूज़ हुए थे, ठीक है। ये सभी डिटेल उसमें लिखे हुए होते हैं। तो टैगिंग हमको कहाँ करना है, टैगिंग हमको लगाना है इमेस्कुलेशन जो हमने जिस फ्लावर में किया था उसमें हमको टैग लगाना है। तो हम कैसा टैग लगाएंगे, तो लेबल ऑफ हार्ड पेपर इज टैग्ड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इन सच ए फ्लावर इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज डन। जिस प्रोसेस में आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया है उसमें वैसा ही टैग लगाना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा टैग लगाना है जिस पे, जैसा आप जब कपड़े लेते हैं तो कपड़े के ऊपर में जो टैग लगा हुआ होता है, एक धागा इस प्रकार से ऐसा लटकता जाता है, और उस पे पूरा लेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन उसको देना रहता है कपड़े के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन उस पे लिखा हुआ होता है। तो ऐसा ही टैग हमको फ्लावर में भी लगाना है, एंड उस फ्लावर में लिखना, एंड उस टैग में हमको लिखना क्या क्या है, इन दिस बैग सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं कि आपने इमेस्कुलेशन का डेट आपका क्या है, ठीक है, एंड टाइमिंग क्या है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एंड बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्लाइड में, इस टाइप से आप टैगिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद में लास्ट प्रोसेस है प्रिकॉशंस, हमको क्या क्या लेना है जब आप इमेस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग एंड टैगिंग करते हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट हेल्दी फ्लावर फॉर इमेस्कुलेशन, हमेशा इमेस्कुलेशन के लिए हेल्दी फ्लावर आपको चूज़ करना है, एंड यूज शार्प फॉर्सेप्स एंड सीजर। जो भी फॉर्सेप्स एंड सीजर आप यूज़ करते हैं वो एकदम शार्प होना चाहिए, एंड डोंट यूज़ हैवी बैग एंड लॉन्ग टैग। आपको कभी भी हैवी बैग का यूज़ नहीं करना है, हमेशा लाइट वेटेड पेपर बैग का यूज़ करना है, एंड हैवी टैग जो है, जो टैग है वो भी आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है प्लांट में। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।